और वैसे वकार ने मशवरा दिया कि सबूर अगर द क्लिप्स रखेंगी एक इवेंट पे तो ज्यादा प्यारी लग सकती हैं, एक इवेंट पे लाइट क्लिप्स रखे, दोनों चीजें क्योंकि आंखें भी बड़ी बड़ी हैं ना, वो भी अच्छी लग सकती है। हमने इसके कॉर्नर पे ब्राउन और रेड ये मुझे दिखाएंगे कौन सा कलर, ये दोनों के ब्राउन और रेड, ब्राउन वही पहले वाला है, ब्राउन मैंने थोड़ा सा रेड ऐड किया है। अच्छा, अब ये ब्राउन कहाँ लगाया और रेड कहाँ लगाया? ब्राउन और रेड को मिक्स करके लगाया, मतलब के दोनों मिक्स किए, थोड़ा सा ये लिया, एक मिनट एक मिनट दोबारा क्लोज पे जाएं प्लीज, एक सेकंड मैं सही से पकड़ूं क्योंकि वो थोड़ा सा ये लिया, इसी के साथ ब्राउन ऐड किया और मतलब मरूनिश रेड और ब्राउन को मर्ज करके आपने सबसे पहले कॉर्नर्स बनाए और उसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए इसको ब्लेंड कर दिया। सॉफ्ट किससे कर रहे हैं आप, कौन से कलर से? ये सिंपल ब्रश से, कोई उसके अंदर कलर नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर ब्राउन वो लगाया हुआ है, गोल्ड लगाया हुआ है। गोल्ड कौन सा वाला जो पहले लगाया था? जो मैंने गोल्ड माइन पहले लगाया था, बिल्कुल ये वाला, ठीक है। उसको हमने सॉफ्ट कर दिया, कोई हार्श लाइंस नहीं होनी चाहिए मेकअप में, बिल्कुल ब्लेंडेड होना चाहिए, सब कलर्स एक दूसरे से मर्ज होने चाहिए, है ना? उसके बाद हम लाइनर देंगे। अच्छा, इनको आपने कौन सी बेस लगाई? इनको मैंने मिक्स की है, मैंने थोड़ी सी मैंने मैक मिक्स किया है और साथ साथ मसरत मिसबा, मेरी ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन। तो मसरत मिसबा और मैक को आपने मिक्स करके, क्योंकि वो अभी गर्मियां हैं, आउटडोर शादियां चल रही हैं, तो वो स्टे वो बहुत अच्छा है। और मसरत मिसबा की कवरेज ना 100%, मतलब मैंने अब तक जो है वो इतनी अच्छी फाउंडेशन। तो आपको फिर उसमें कोई डर्मा और कोई और कंसीलर लगाने की जरूरत नहीं, स्किन बहुत क्लियर थी तो मुझे जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक है। Okay. तो यहाँ एक आईज पे डिफरेंट शेड दिया और थोड़ा सा इसको ब्लैक के साथ हम कर रहे हैं लाइनर को। अच्छा, आप ब्लैक के साथ कर रहे हैं, मतलब लाइनर देने के बाद ब्लैक कॉर्नर जो है वो ब्लैक दे रहे हैं आप? नहीं, कॉर्नर सिर्फ मैं अंडरलाइन ब्लैक कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी आंखों के नीचे भी लगाएंगे आप? जी, आंखों के नीचे लगाया ना मैंने ब्लैक के, और इसके साथ ही मैंने कौन सा ब्लैक लाइनर लगाया? प्लेन लाइनर ब्लैक। अच्छा, लाइनर लगा के फिर आप क्या शेड के साथ मर्ज करेंगे? देखिए, आप आईज में करो, ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। देखिए कि अगर जो मैंने शेड ऑलरेडी लगाया हुआ था, ठीक है, गोल्डन के साथ मैंने मरून को मिक्स किया, अब जो मैंने मरून लगाया हुआ था उसी के ऊपर मैं हल्का सा ब्लैक लगा के इसी शेड को कंटिन्यू करते हुए, ये लाइनर है बिल्कुल, केक लाइनर, केक सिंपल केक लाइनर, और इसी क्योंकि केक लाइनर वाटर बेस होता है तो वो इजीली पाउडर में ब्लेंड हो जाता है। अगर जेल वाला लाइनर आप लगाएंगे तो वो ब्लेंड इतना, तो वो इतना मजे से ब्लेंड नहीं होगा। ये हमने लाइन बनाई और उसके बाद जो हमने कलर पहले लगाया था मरून, उसको हम थोड़ा सा लेंगे जो उदा का मरून है जी, उसके साथ हम उसको थोड़ा सा, ये मुझे नजर नहीं आ रहा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये देखिए, इसको हमने इस तरह ब्लेंड और बाहर निकाल रहे हैं आंख से, मतलब लाइक थोड़ा। तो देखिए कॉर्नर कितना मजे का बन गया, बहुत डार्क भी नहीं है और बहुत लाइट भी नहीं है। सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ब्लश ऑन आप कौन सा प्रेफर करते हैं? मुझे तो ये नार्स की किट, अगर आप देखिए ये बेस्ट किट आई है, इसमें ऑर्गेज्म के दोनों हैं और साथ साथ शिमर भी है, पिंक पीच और शिमर भी है, तो ये आपको लगता है नार्स की किट ये बहुत अच्छी है? वो है बेहतरीन किट है। हाँ, ठीक है। अच्छा, जैसे सबूर का चेहरा है तो इस पे ज्यादा, क्योंकि इसका गोल मटोल चेहरा है थोड़ा, तो इस पे कॉन्टोर करना जरूरी है? कॉन्टोर भी करें और थोड़ी सी आईज भी शार्प बनाएंगे तो और मजेदार लगे। अच्छा, ताकि वो थोड़ी प्रोमिनेंट हो। अच्छा, और दूसरा ये होता है कि हम लोग क्योंकि सारी जिंदगी हमने ब्राइडें भी बनाई हैं, तो ब्राइड्स बनाने से ये होता है कि ब्राइडल्स जब हम करने लगते हैं तो हमारा हाथ अलग तरीके से चलता है। अच्छा, क्योंकि ब्राइडल एक अलग मेकअप है, शूट इज डिफरेंट, शोज इज डिफरेंट, स्टेज इज डिफरेंट, तो क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट अक्सर लोग कहते हैं हमने मेकअप आर्टिस्ट कोर्स कर ले रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कभी खत्म नहीं होता, आप सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, स्टेज मेकअप अलग है, थिएटर मेकअप अलग है, टीवी का मेकअप अलग है, सब चीजें अलग अलग है, बिल्कुल। ओके, अब आपने ये इस ब्राइडल मेकअप पे जो कलर दिया है वो आपने गोल्डन, रेडिश एंड ब्लैक, ब्लैक ब्राउन ब्लैक मैंने बहुत लाइट रखा है, लेकिन आपने जो है इस पे ये चेंज दिया है जी। अब इसके अंदर हम एक बहुत मजे की चीज करने जा रहे हैं कि हम इसमें बिल्कुल बेसिक, आप क्या करने जा रहे हैं बाप? मैंने बेसिक एक गोल्ड कलर है जो गोल्डन ब्राउन्स, ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं कलर। अच्छा, आप थोड़ा ब्रॉन्जी कर रहे हैं, ब्रॉन्ज कलर, मतलब ये थोड़ा आंखें चली जाएंगी थोड़ी डार्कर की तरफ के, नहीं बहुत ज्यादा डार्क, लेकिन वो उसका इफेक्ट बड़ा अच्छा आएगा, देखिएगा जब एंड में करूंगा इसको। ये थोड़ा ब्रॉन्जी कलर है, बड़ा प्यारा मैक का कलर है ये मेरा फेवरेट कलर है, टेम्पटिंग नाम है इसका।
अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि हम लगाएंगे इसमें ग्लिटर। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत मैक का ग्लिटर है। ओह वाओ, मुझे अच्छा, देखिए ख्वाहिश कभी कभार होती है किसी की कि मुझे स्मोकी मेकअप कराना है, किसी की ख्वाहिश होती है कि मुझे ग्लिटरी मेकअप कराना है, तो अब मुझे थोड़ा सा ये आप आइडिया दे सकते हैं कि कौन सी आंखों का शेप ऐसा है जिसपे ग्लिटरी मेकअप नो है, कौन सी आंखों का शेप ऐसा जो आंख है ना जिसके अंदर फोल्डेड आईज हैं, ड्रूपी आईज हैं, या थोड़ी सी बहुत पफी आईज होती है ना जो बिल्कुल फ्लैट, जैसे राबिया चौधरी की नहीं आईज है, फ्लैट आईज है राबिया जो बिल्कुल पतली हो, ड्रूपी हो, फोल्डेड हो, जब आप आंख खोले तो वो लाइनर नहीं इनमें ब्लेंड हो जाता, मतलब कि ये स्पेस ना हो, मैदान ना हो, आपकी आपका जो सॉकेट स्ट्रॉन्ग ना हो, अगर सॉकेट स्ट्रॉन्ग है तो ग्लिटर हमेशा अच्छा लगेगा। अच्छा, और अगर सॉकेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ग्लिटर ना लगाएं, या उसको बहुत कम लगाएं, लाइनर की फॉर्म में लगा लें। अच्छा अच्छा, कौन सी आंखें ऐसी हैं जिस पे स्मोकी मेकअप नो है? स्मोकी मेकअप चल जाता सब पे, सब पे चल जाता है, जिसकी छोटी छोटी आंखें हैं, अंदर डसी हुई आंखें, ब्लैक ना करें, ब्राउन कर दें। अच्छा, और स्मोकी की भी बहुत सारी किस्में हैं ना, स्मोकी खाली ब्लैक या ब्राउन नहीं है, स्मोकी जो है वो आप नीले के साथ भी करते हैं, पर्पल के साथ। अब देखिए, अब आपको इतना मजा आएगा देखने में, क्या वुमन, मुझे लगता है ग्लिटर लगाने में और देखने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, वो जो आप लगा रहे हैं ग्लिटर, अब देखिए ना ग्लिटर कितना आंख पे कितना लगाना चाहिए ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास है अपना है तो इतना मतलब ठूस दिया कि वो आंखों पे पलकों पे भी गिर रहा है। सबूर अगर ऐसा मेकअप करवाएगी तो बहुत प्यारी लगेगी, बहुत अच्छी। वैसे तो मतलब लाइक ये जो हमारी शोबिज की लड़कियां हैं वो सारे मेकअप्स को कैरी भी कर सकती है क्योंकि उन्होंने हर चीज की भी होती है। जो आम लड़कियां हैं उनको थोड़ा सा पहले से माइंड बनाना चाहिए, लेकिन मतलब आजकल जो आम लड़कियां हैं वो आई थिंक शायद वो एक्ट्रेसेस से ज्यादा अच्छे हैंडल, क्योंकि वो जानती हैं ना ट्यूटोरियल्स वगैरह की वजह से और टिकटॉक की वजह से। ओए होए होए, कितना प्यारा ग्लिटर है यार, मुझे लगाना है इसको, इसको मुझे लगाने में भी मजा आता है, मुझे देखने में भी मजा आ रहा है ग्लिटर लगने में। ओ वाओ, बहुत प्यारा लग रहा है ये मेकअप, वेरी नाइस। उसके बाद हम लाइनर लगाएंगे। अब जैसे लाइक इसका चेहरा है ना, इसके चेहरे पे मेकअप जो है वो एक क्रिएटिव आदमी अच्छा कर सकता है। हाँ, इसकी फेस फीचर्स बहुत शार्प हैं। हाँ, तो जो शार्प फीचर्स होते हैं, अभी आप बता रही थी कि जो इंट्रो मैंने आपका देखा, मैं डर गया थोड़ा सा, मैंने कहा ये तो पार्लर बंद करवा रही है, क्या सारी चीजें घर पे करवा रहे हैं। ये इस तरह के मेकअप रिमूवर्स भी आ गए, ब्रश क्लीनर्स भी आ गए। अच्छा, ये अवेलेबल है यहाँ पर इंग्लॉट के। अच्छा, ये अवेलेबल है तो स्पेशली स्प्रे मारा ब्रश साफ, ये लाजमी खरीदना चाहिए, इससे आपकी ब्रशेस एक तो क्लीन रहते हैं। हाँ, और क्विक ड्राई, ये अल्कोहल है ना, फौरन आपने स्प्रे किया क्लीन हुए और ड्राई। और ये कितना अच्छा है, मतलब आप एज ए ब्यूटिशियन एक वही ब्रश है जो आप सब पे यूज करें तो ये कितना साफ सुथरा हो गया, ये इससे हाइजीनिकली आप बहुत बिल्कुल। अच्छा, अब हमारा मेकअप जो है आई मेकअप कंप्लीट हो गया, हमारी लिपस्टिक रह गई जो हम दिखाएंगे ब्रेक के बाद आके, तो हम मशवरा देंगे सबूर, आप चाहें तो एक लुक आप सोच सकती हैं, आपकी शादी अनकरीब है और सबूर से मिलती हुई लड़कियां भी ये सोच सकती हैं अपने लिए। Hi guys, it's me, Mini Butt. And this is me, Ramsha Khan. And you are at the Airman Digital's YouTube channel. Yeah. Do subscribe it for more videos.